हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू जारी है। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक से आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आगामी आने वाला एग्ज़ाम, ज़्यादा टाइमिंग नहीं बचा है। बार बार आपको बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। और जो चीज़ बार बार आ रही है, जिसे बार बार बोला जाता है, उसको अंडरलाइन इसीलिए किया जाता है। किसी चीज़ को हम अंडरलाइन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्यों उस बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है। तो इसीलिए आपको बार बार मैं बताता हूँ कि ओनली फॉर 3 मंथ, मान लीजिए आपके पास इन 3 मंथ में भी खुद को रियलाइज़ नहीं हुआ कि टाइम कब चला गया। इसलिए कहता हूँ कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखे, टाइम का यूज़ करना सीखे। और डोंट वेस्ट टाइम, गया हुआ समय वापस नहीं आता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और एक छोटी सी कहावत है, आपने सुनी भी होगी, अभी सुनाते हैं आपको। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ सभी फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आज का सेशन बहुत बेहतरीन सेशन, शानदार सेशन होगा। प्लीज़ आप बच्चे 5 बजे डेली अच्छे से आया करो। 8-10 बच्चे ही आते हैं, कि 8-10 बच्चों को ही नौकरी चाहिए क्या? ठीक है। और जो बच्चे आ रहे हैं, जो रोज़ डेली यूज ले रहे हैं, सचमुच ही वो बहुत अच्छे गुड पाथवे पे हैं, ठीक है। आगामी एग्ज़ाम वाले आने पर उनको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को नोट किया करो कि मैंने इनमें के कितने राइट कितने रॉन्ग करे, रॉन्ग करे तो क्यों करें। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है फ्रेंड। इन इंडिया मोस्ट मलेरिया इन ड्यू टू रिपोर्टेड, ठीक है। जो इंडिया है, इंडिया में मोस्ट कॉमन मलेरिया देखने को मिलता है वो कौन सा है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजर, ठीक है, कौन सा है? तो इंडिया में बात करें तो कौन सा होगा, और डेंजरस होगा तो कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, इंडिया में बात करते हैं तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इंडिया में अगर हम बात करें तो आल्सो नॉन इज द प्लाज्मोडियम वीवैक्स, जिसे हम पीवी बोलते हैं, पीवी प्लाज्मोडियम वीवैक्स। और अगर मोस्ट डेंजरस की बात करें तो होगा पीएफ, ठीक है, पीएफ बोलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस इज करैक्टराइज्ड बाय, ठीक है, टिटनस में कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, क्या लॉक्स, मसल रिजिडिटी, पेनफुल मेरोमैक्सियल स्पाज्म ऑफ वेलेंट्री मसल्स, या ऑल ऑफ देम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो आपको खुश रहना होगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आपको एक दिन के लिए खुशी चाहिए तो नॉर्मली आप कहीं जाके घूम आइए। अगर आपको 2 से 5 दिन का खुशी चाहिए अपने अंदर, तो आप 2-3 दिन के लिए टूर पे चले जाइए। अगर थोड़ा अच्छा चाहिए, 2-4 महीने का अगर आपको खुशी चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, थोड़े पैसे कमाने होंगे। और अगर आपको लॉन्ग लाइफ, अपनी लाइफ को जीना है, अच्छा सिक्योर बनाना है, और अपने टुन्नु मुन्नु है, आपके टुन्नु मुन्नु है ना, होते हैं टुन्नु मुन्नु, ये टुन्नु और ये मुन्नु, वो माँ बोलती है ना टुन्नु मुन्नु के पापा, तो भैया अगर उन टुन्नु मुन्नु की लाइफ को सिक्योर, खुशी, आनंद महसूस कराना, अच्छा फील कराना है, तो उन टुन्नु मुन्नु के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सुबह जल्दी उठना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। और जो इंसान आज सुबह जल्दी उठेगा, आगामी सिक्स मंथ अगर उसने जल्दी उठना सीख लिया ना, और लाइफ में पर डे सोच लिया है कि मुझे, अगर उसने सोच लिया है कि पर डे 6 से 10 घंटे मुझे स्टडी को देने, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई सा एग्ज़ाम नहीं जो फाइट नहीं कर सकता, ठीक है।
अगर पूरी खुशी चाहिए तो आपको ये खुशी जाहिर करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, इनक्यूबेशन टिटनेस, टिटनेस का इनक्यूबेशन पीरियड बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो टिटनेस का जो इनक्यूबेशन पीरियड होगा वो ऑप्शन बी होगा, 3 = 21 ऑफ डे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आपने कभी सुना होगा, अपने मम्मी पापा हमेशा हमसे एक बात बोलते थे, क्या बोलते थे, आपने उस चीज़ सुनी होगी कि बेटा बस पाँचवीं पास कर ले, क्योंकि पहले बोर्ड होती थी ना, कि बेटा बस पाँचवीं पास कर ले तुम, फिर देखते रहे मज़े ही मज़े, ठीक है, फिर कैसे तैसे हम पाँचवीं पास कर लेते, फिर कहते कि बेटा बस तू अब की और कोशिश कर ले, आठवीं पास और कर ले, फिर देखते रहे मज़े ही मज़े। मम्मी पापा ने ये अब हमें लॉलीपॉप दे के हमें आठवीं पास करा दी, बस बेटा अब के दसवीं क्लास है तेरी, और इस दसवीं क्लास में अगर तू पढ़ गोने अब के और अच्छा नंबर आ गया तेरा, जब देख तेरे मज़े ही मज़े हैं भाई। उस मज़े के चक्कर में फिर चढ़ गया मम्मी पापा की बातों में, और फिर वापस से फिर मज़े में आ गए, दसवीं पास कर ली, फिर बारहवीं में आ गए भाई, बारहवीं सब्जेक्ट ले लिया किसी ने मैथ, अलग अलग। मम्मी पापा घरे रोज़ पढ़ के आते, वैसे बेटा आपके और जोर लगा दे, फिर देख बेटा तेरे मज़े ही मज़े भाई। कैसे तैसे करके हमने बारहवीं भी पास कर ली, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट ले लिया, कॉलेज लाइफ आ गई, फिर माँ बाप कह रहे कि बेटा बस तू एक बार नौकरी लग जा, फिर बस तेरे मज़े ही मज़े। अब आज तक नौकरी नहीं लगे तो बताओ कहाँ से अपने मज़े होंगे। और सबसे ज़्यादा तो सड़ा उस रिश्तेदार पे गुस्सा आता है जो कहता था ना कि तुम्हारे छोरे को बस आपके और ये चीज़ करवा दो, फिर देखो इसके मज़े ही मज़े। तो हम सबसे ज़्यादा तो हम उस रिश्तेदार को हेरते हैं जो ऐसे उंगली करके जाते थे ना, ठीक है। चलो ये थोड़ा जोक्स था, तो अपनी मेहनत अच्छे से करें, और अपना फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो देखो मेहनत तो हमें करनी होगी। ओके, इन फॉलोइंग बीच इज एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी जो होती है, ERT जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ERT जिसे हम बोलते हैं, क्या वो PCM होता है, डाइक्लोमाइड। PCM हमारी एंटीपायरेटिक होती है, ये हमारी एंटी स्पास्मोडिक पेन जो एब्डोमेन पेन होता है। अमोक्सिलिन अपनी हमारी एंटीबायोटिक आती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, और हमारा ERT में हमारा जिडोवाइडिन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। द इम्यूनिटी डेवलप फॉलोइंग क्लिनिकल इन्फेक्शन इज नॉन एज, जो इम्यूनिटी होती है उसका जो क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव, नेचुरल, पैसिव या ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारे इन्फेक्शन डेवलप इम्यूनिटी में आती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन विच गैस यूज फॉर अपडोमन डिस्टेंशन, ठीक है, लेप्रोस्कोपी के दौरान अगर जो गैस यूज करते हैं अपडोमन को फुलाने के लिए। डिस्टेंशन का क्या मतलब होता है, अपडोमन मतलब पेट और डिस्टेंशन मतलब रुकावट फूलना। तो अगर आपको अपडोमन को डिस्टेंशन करना है तो उसके लिए जो लेप्रोस्कोपी के दौरान ऑपरेशन आप कर रहे हो उसके दौरान जो गैस यूज करोगे वो कौन सी होगी, नाइट्रोक्साइड, O2, नाइट्रोपेरोक्साइड या CO2। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। WHO, ये तो गॉड गिफ्ट क्वेश्चन है, ये लगभग फिक्स मान लो, ये तो आता ही है और इसको बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इन विच इज़ द स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ मेल, मेल को आपने स्टरलाइज किया है, फीमेल को करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी, कंडोम हमारा बेरियल मेथड में आता है, कोपर्टी हमारा किस में आता है, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, किस में आएगा, हार्मोनल उसमें आएगा, नॉन हार्मोनल इंस्पेक्टिव में आएगा, और कोपर्टी हमारे सेकेंड जनरेशन में आएगा। तो इन विच इज़ द मेथड ऑफ मेल कंडोम्स, ये आएगा मेल स्टरलाइज, तो वास डिफरेंस को रिमूव करते हैं, किसको करते हैं, वास डिफरेंस को, ये यहाँ पे वास डिफरेंस जो नलिकाएं होती हैं उनको लीग आउट करता है, लिगेशंस करते हैं। नेक्स्ट, द नॉइज लेवल बेस्ट फॉर नॉर्मल कन्वर्शन, आज मैं नॉइज के बारे में आपको एक शानदार चीज़ बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में आप इस क्वेश्चन को नहीं बोलोगे और कभी नहीं करोगे। जो नॉर्मल हमारा होता है कितना डेसीलेवल होता है, 85 डेसीलेवल जो नॉइज होती है, या हजार्ड में बात करें तो 20 से 20,000 तक हजार्ड में जो होती है इसे हम नॉर्मल नॉइज लेवल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कहावत आपने सुनी होगी, सभी लोग, मैं ये नहीं कहता, देखो कोई जो भी है
अपनी वाइफ या अपनी जीएफ, ठीक है, जीएफ की फुल फॉर्म होती है गलतफहमी, और बीएफ की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, बीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉयफ्रेंड नहीं होता, बेवकूफ़ इंसान होता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड और जीएफ जो ये दो प्राणी होते हैं इनकी बात बताता हूँ। अगर हम गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं जब तक शादी नहीं होती, जब तक का प्यार बता रहा हूँ, उसके बाद की बात तो बाद में होती है ना। शादी से पहले की आवाज़ आपको कतई ऐसी लगेगी जो कोयल नहीं होते थे, सुबह सुबह कोयल की आवाज़ कितनी शानदार होती है, सुनी होगी ना, शानदार शानदार जिसे हम बोलते हैं। सुबह सुबह अगर गुड मॉर्निंग आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोयल भी फीकी पड़ गई, वाह यार आपकी आवाज़ कोयल से भी मीठी, वाह गुड मॉर्निंग जानू, ये सुना जाता है। वही आवाज़ आपको एक साल बाद शादी हो जाती है उसी लड़की से, एक साल बाद फिर देखो वो आवाज़, अगर बाई चांस आपको गलती से घर पे रहती है जब तो गुस्सा आता ही है, बाई चांस वो ससुराल चली गई और उसने आपको फ़ोन कर दिया ना कि गुड मॉर्निंग जानू, अरे यार क्या सिर दर्द कर दिया यार सुबह सुबह, कौन फटी ऐसा लो जैसे फटा बांस बोल रहा हूँ, तो ये जवाब थे, एग्जाम्पल थे। तो मुझे नहीं लगता कि यार आप इस क्वेश्चन को ज़िंदगी में भूलोगे, ठीक है। कैसा लगा अब तक का सेशन, आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में सभी फ्रेंड्स ज़रूर आंसर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज़ सेशन को एंजॉय करते रहें। यूनिसेफ डेट आपको दो चार डेट, कम से कम आपको पाँच से तीन से पाँच क्वेश्चन आपको डेट के देखने को मिलेंगे। ये आपका WHO मान लो और ये आपका यूनिसेफ मान लो, ठीक है। यूनिसेफ 1946 इसमें दो जोड़ दो, WHO 1948 हो जाएगा, या इसमें के दो लेस कर दो आपका यूनिसेफ, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो चिकनगुनिया है फीवर वो ट्रांसमिटेड होता है, तो चिकनगुनिया किसके द्वारा होता है, हाउस फ्लाई, कुत्ता खा गया, या बिल्ली खा गई, या एडी एजिपटाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एडी एजिपटाई। इसमें भी जैसे अपना ब्रेक बोन फीवर होता है डेंगू में आपको देखने को मिलता है, चिकनगुनिया में भी उसी तरह ही बॉडी के अंदर स्पाज्म आते हैं बहुत ज़्यादा, बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और पेशेंट को मॉर्निंग टाइम जब वो उठता है तो उसके आपके हील्स जो होती हैं एड़ियाँ होती हैं वहाँ पर सीवियर पेन होता है, ऐसे ही दर्द आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, आशा ओवर्थित पॉपुलेशन, मैं आशा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आशा के बारे में NHM हो CHO हो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा पॉपुलेटेड होती है, ये भी नहीं होती, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बीच डे इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेशन, जो एड्स डे वो कब मनाया जाता है, ठीक है, तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर, एवरी 1 दिसंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन, या लाइव वैक्सीन की बात हो रही है तो क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ें, ये छोटे क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन गलत होना, अगर नॉट सेट में एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.3, और ये 0.3 क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन रुकता है ना, हमारा 0.5 से रुक गया, 1 से रुक गया, बस यही सिलेक्शन रुकता है, सिलेक्शन ज़्यादा से नहीं रुकता। कई बार जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके टीचर कहते होंगे कि यार जो 0.5 शब्द आते हैं ना ये बड़े टिपिकल और क्रिटिकल्स होते हैं, लेकिन आप लोग इनको हल्के में लेते हो, जब लाइफ आगे होगी तो आपको महसूस और रियलाइज होगा। देखिए, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, पहले अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, आपकी थ्योरीज को क्लियर करिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं, थ्योरी क्लियर नहीं, कोई माई का लाल या कोई की माई की लाली नहीं जो आपको अच्छे से क्वेश्चंस करा सके, ठीक है। तो DPT हमारा किल्ड्स में नहीं आता, ये किस में आएगा, ठीक है, टॉक्सॉइड में आएगा, टिटनस हमारा किल्ड्स में, DT और BCG आल्सो नोन इज द लाइव। कैसा लग रहा है सेशन, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं सेशन आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल पे आपको NHM का कोर्स भी अवेलेबल है, कोर्स आप ले सकते हो,
बाकी बाद में आपके लिए जब 1 मंथ के समथिंग ट्रायल टाइम रहेगा तो आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे, और वो टेस्ट सीरीज बहुत शानदार टेस्ट सीरीज होगी। आपके किसी भी तरह की कोई क्यूरीज नहीं होंगी, कुछ नेगेटिविटी नहीं होंगी, और शानदार टेस्ट होंगे, आपको दिखा दिए जाएंगे, आप खुद रियलाइज करोगे। उसके साथ आपको बुकलेट्स, नोट्स, की पॉइंट्स, PDF, बहुत शानदार चीज़ें मिलेंगी। सभी चीज़ें मिक्स होंगी, सब्जेक्ट्स वाइज, नॉन सब्जेक्ट, सब कुछ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ओनली फॉर टेस्ट सीरीज की प्राइस अलग होगी, और कोर्स की 300 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। टोटल जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, विद थ्योरी विद एक्सप्लेनेशन। वाटर बॉर्न डिजीज आल्सो नॉन इज, ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीज, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फेलरेसिस, पोलोमलाइटी आल्सो नॉन इज द वाटर बॉर्न। नेक्स्ट, द डिजीज फेलेरा इज कॉज्ड बाय, जो फेलेरा डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, एस्क्राइसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वेंचुरा वेंट्रोप। रेड क्रॉस सोसाइटी 1820 या 1920, प्लीज़ इसका एक बार राइट कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि 1820 हो गया या 1920, देखते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, और जिसका वो था क्या था, हेनरी डेंट, और 1920 या 1820, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं कि क्या होगा। वेक्टर ऑफ कालाजार, कालाजार सैंडफ्लाई, सैंडफ्लाई इज कालाजार, आल्सो नॉन इज द राइट आंसर। तो ये क्या होगा, सैंडफ्लाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैंडफ्लाई। राम राम अम्मा। पर्टोसिस इज आल्सो नॉन इज द, पर्टोसिस क्या है, काली खांसी, काली खांसी जिसे हम 100 कुक बोलते हैं, तो वो क्या होगा, रूबेला, या फिर एंट्रिक फीवर, या फिर मीजल्स। ठीक है, तो मीजल्स में जो होगा रिव्योला होगा, 4 डे फीवर, ये एंट्रिक फीवर ब्रेडिकार्डिया होगा, काली खांसी जो 100 डेज आपको देखने को मिलेगी वो क्या होगा, पर्टोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज के सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में सभी फ्रेंड जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको सबको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस बंदे ने भी पढ़ाई चालू नहीं की हो वो पढ़ाई चालू कर दें। पर डे 5 बजे आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बूंद बूंद से गढ़ा भरता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि यार जब भी कोशिश करो, कभी आपने देखा चींटी को, देखा कभी चींटी को आपने सोते हुए देखा, वो कभी नहीं सोती, हमेशा अपने अपना जो उसके लक्ष्य होते हैं ना वो हमेशा लगी रहती है। कभी भी देख लेना आप, अगर चीज थोड़ा सा मीठा डाल दो उनमें, एकता देखो उनमें, उनकी एकता की मिसाल है, चींटी की मिसाल दी जाती है, अगर छोटा सा भी मीठा आपने गिर दिया तो वहाँ इतनी चींटियाँ दिख जाएंगी, 2 मिनट बहुत सारी। अब भी पढ़ लीजिए, वक्त है, एक बार वक्त निकला आप खुद कुछ नहीं होता, जैसे सांप होता है ना निकल जाता, फिर हम लकीर को पीटने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मदद के काबिल होते हैं। रोज पर डे आप मंदिर जाइए, पढ़ाई मत करिए बस, सुबह शाम दोपहर चारों टाइम मंदिर जाइए, भगवान खुद ये सोचने लग जाएगा अरे यार इसके पास कुछ और काम नहीं है क्या। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद में अपनी काबिलियत ढूंढता, अपनी खुद एक परफेक्ट बनना चाहता है, खुद कुछ दिखाना चाहता है। ये सपना ढूंढ लो, मुझे मेरे माँ बाप को कुछ करके दिखाना है, मात्र ओनली, और वो भी अब जल्दी। यार कब तक पढ़ोगे यार, मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं भी कब तक पढ़ूंगा, मैं ये चाहता हूँ मैं भी बहुत जल्दी सेलेक्ट हूँ। अगर नोट सेट भी आपने बना लिया ना, ओनली फॉर, मैंने ये नोट करा है कि कंपटीशन ओनली, जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन ओनली 15,000 से 20,000 बच्चों का है, बाकी तो भीड़ भरी हुई है नर्सिंग में। अपना जो राजस्थान का एग्ज़ाम होगा ना उसमें भी 15,000 से 18,000 मान लो बस, नहीं बाकी कम से कम 10,000 तो ऐसे ओवर एज आएंगे जो तुम्हारे पास बैठे होंगे, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि यार सचमुच यार इतनी उम्र वाले फॉर्म भर रहे हैं क्या। 99% तो आपको राजस्थान वाली में शादीशुदा इंसान मिलेंगे, शादीशुदा इंसान। ठीक है,
तो सोच लो कि आपको किस तरह एक सीट लेनी है। देखो लड़ना तो पड़ता ही है यार। वो अपने तीनों चारों नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रिप्रेशन होता है, रिग्रेशन होता है, वो होता है भाई अपना कहीं ना कहीं। अगर मान लो आप MBBS करना चाहते हैं, MBBS किसी कारण नहीं कर पाए, तो आपने सोचा कि इसके बदले यही नहीं तो कुछ और कर लेते हैं कहीं, भाई इसकी क्षतिपूर्ति को आपको पूर्ति करना है, तो आप पूर्ति कहाँ करते हो? तो पूर्ति ये करते हो कि भाई मैं MBBS ना करके BSc नर्सिंग कर लेता हूँ, मेडिकल फील्ड में आ जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द वैक्सीनेशन वाज ए फर्स्ट परफॉर्म बाय द, ठीक है, वैक्सीन किसने परफॉर्म की थी, ये NHM का क्वेश्चन है, नोट कर लेना, लिख लेना। आल्सो नोन इज द एडवर्ड जेनर, ठीक है, कौन सा था? एडवर्ड जेनर। तो सेशन, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में सभी फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कि आपका फ्रेंड्स और सुनिए आपको आज का सेशन कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको बहुत जल्दी NORSET की तैयारी देखने को मिलेगी विद रिएशनल विद NORSET की, वो स्पेशली सॉन्डर्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।